हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल टेक टॉक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेनोवो के 8 प्लस के सितंबर 5 सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 सितंबर को लेनोवो के 8 प्लस का एक सिक्योरिटी पैच अपडेट आ चुका है। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो मिला नहीं है, जहां तक बात है दोस्तों ये बहुत कम लोगों को मिला है, क्योंकि सिक्योरिटी पैच अपडेट की नोटिफिकेशन मोबाइल के एक्टिवेशन की सीरीज के हिसाब से धीरे धीरे लोगों को मिल रही है। यानी कि किसी का मोबाइल बहुत पहले एक्टिवेट हो चुका था, यानी कि उन्हें हाल खरीद लिया था तो उसको जल्दी मिल जाएगा, और अगर आपने थोड़े दिनों बाद खरीदा तो आपको सिक्योरिटी पैच का नोटिफिकेशन कुछ दिनों बाद मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस सिक्योरिटी पैच में हमें क्या कुछ मिलने वाला है। यानी कि लेनोवो के प्लस का जो सबसे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है सितंबर 5 का, उसमें हमें मोबाइल स्टेबिलिटी और कैमरा इम्प्रूवमेंट, ये दो बग्स फिक्स करने वाले फीचर्स तो हमें मिली है। सॉरी फीचर्स तो नहीं कहेंगे, हमें ये दो बग्स तो ये इन लोगों ने फिक्स कर दिए और हमें ये एक तरीके का एडवांटेज मिल रहा है। दोस्तों अब बात आती है कि जब हमने हमारा लेनोवो के 8 प्लस ओरियो में अपडेट किया था तो उसके बाद बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो का लिंक आपको मेरे वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली मैंने उस वीडियो में पूछा था कि मतलब जो लेनोवो कस्टमर है उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत से लोगों ने कमेंट में बताया था कि उन्हें फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम है, बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम है, डिस्प्ले की है, और भी बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम्स को बताया था। तो दोस्तों अब बात यहाँ आ जाती है, क्या इस सिक्योरिटी पैच यानी कि सितंबर 5 सिक्योरिटी पैच के अपडेट में हमें ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे बग्स फिक्स होंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं सच बात बताऊं, ये टेक्निकल न्यूज है, मेरे पास फिलहाल सिक्योरिटी पैच का कोई अपडेट आया नहीं है अभी तक, हो सकता है कि 2-4 दिन में आ जाए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जैसे मुझे ये सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा मैं उस अपडेट की वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा कि अपडेट कितने MB का है और उसे कैसे अपडेट करना है। साथ ही साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि ये जो सितंबर 5 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है उसको अपडेट करने के बाद आपका जो लेनोवो के 8 प्लस ओरियो अपडेट में जो सारी प्रॉब्लम्स थी, बैटरी ड्रेनिंग, डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट की, नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो तो मैं पर्सनली खुद फेस कर रहा हूँ, तो वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारे बग्स इस अपडेट में फिक्स होते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी लेनोवो के 8 प्लस 5 सितंबर की सिक्योरिटी पैच की अपडेट की एक न्यूज़। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए।